हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे प्रेमानंद जी महाराज जी का स्केच। तो इसके लिए मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ किया है। आप चाहो तो बिना ग्रिड मेथड के भी कोई पोर्ट्रेट बना सकते हो, लेकिन ग्रिड ऐड करने के बाद पोर्ट्रेट जल्दी से और आसानी से बन जाता है। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। ग्रिड्स ऐड करने के बाद मैंने एक रफ सा आउटलाइन तैयार कर लिया है। अब हम धीरे धीरे से इसको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो पहले मैं आईज ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम नोज ड्रॉ करेंगे और उसके बाद लिप्स ड्रॉ करेंगे। तो अब हम पेंसिल से धीरे धीरे हल्के हाथों से शेड करेंगे, ताकि जब हम इस पर पेंट करें तो हमें पेंट करने में आसानी हो सके। तो इसी तरह से आप नोज लिप्स में जहाँ जहाँ डार्कनेस दिखा सकते हो वहाँ वहाँ दिखाना है, और उसके बाद फिर ये ग्रिड्स हैं इनको हमें धीरे धीरे करके इरेज करना है। तो मैंने ग्रिड्स इरेज कर लिए हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे से कलर फिल करना शुरू कर देंगे। हम इनके फेस पे कलर फिल करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैंने तीन कलर का कॉम्बिनेशन बना के स्किन कलर बनाया है। मैं आपको बता देती हूँ वो तीन कलर कौन कौन से हैं। तीन कलर्स में पहला कलर है येलो, दूसरा है व्हाइट और तीसरा है रेड। तो तीनों कलर को बराबर प्रोपोर्शन में ऐड करने पर बन जाता है स्किन कलर। तो अब वक्त है इनके फेस पे कलर करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको कलर करना सिखा देती हूँ। तो जब आप कलर करते हो तो पहली बार आप हल्के हाथों से कलर करना। जब कलर थोड़ा थोड़ा इधर उधर स्प्रेड हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये स्किन कलर है। अगर इसके ऊपर आप कोई दूसरा कलर अप्लाई करोगे तो ये आसानी से ढक जाएगा। तो मैंने इनके फेस और इनके हाथों पे कलर तो कर लिया था, लेकिन हाथों वाला कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इस कलर को ब्लेंड करने के लिए मैं व्हाइट कलर का यूज़ करूँगी, फिर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो लेकिन उससे पहले मैं इनकी दाढ़ी को कलर कर लेती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा होगा कि इनकी दाढ़ी ब्लैक और वाइट दोनों कलर की है, तो अब हमें दोनों कलर करने हैं। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि ब्लैक और वाइट को इकट्ठे दिखाना, और वो भी बालों को। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर से पूरे बालों को पेंट करेंगे, फिर इसके ऊपर व्हाइट कलर यूज करेंगे एज अ हाइलाइटर। तो उससे व्हाइट और ब्लैक बाल अच्छे से दिख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चारकोल पेंसिल का ये साइड इफ़ेक्ट रहता है कि वो स्प्रेड हो जाती है और आपकी पेंटिंग ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा वाटर कलर ही यूज़ करें। दोस्तों, जब आप कलर करके कंप्लीट कर दोगे तो पेंटिंग को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना, उसके साथ हाथ मत लगाना, क्योंकि चांसेस हैं कि वाटर कलर अगर थोड़ा सा पेंटिंग गीली है तो वो स्प्रेड हो जाएगा और पेंटिंग पूरी तरह से ख़राब भी हो सकती है। तो कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दें, उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करें। अब आप हाइलाइटनिंग के लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हो या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे पेंटर हो तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगी कि ब्रश से भी हाइलाइटनिंग हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ख़राब भी हो जाता है कई बार, क्योंकि अगर पतला सा ब्रश यूज़ नहीं कर रहे हो हाइलाइटनिंग के लिए तो मोटे ब्रश से काम ख़राब हो जाता है। तो मैं तो यही सुजेस्ट करूँगी कि पतली सी पेंसिल हो और शार्प करके उसको यूज़ करो, और बीच बीच में जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा वाइटनिंग दिखानी है तो पेंसिल से शेड कर लो, या तो ब्रश से शेड कर सकते हो। जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ कर लिया था तो उसकी वजह से ये इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करने की फिर भी कोशिश करूँगी। पर आपको तो मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि आप पेंसिल से ही हाइलाइटनिंग करना। तो हाइलाइटनिंग का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब एक चीज़ मिसिंग है। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो अपने फेस पर हमेशा चंदन का लेप लगाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आईब्रोज ढक जाती हैं। तो इसलिए मैंने इनकी आईब्रो में कोई भी कलर नहीं किया है, क्योंकि आप किसी भी वीडियो में देखोगे तो उनकी आईब्रोज हमेशा ढकी हुई दिखाई देती है और येलो येलो ही दिखती हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि ये येलो ही दिखे, तो इसलिए मैंने आईब्रो में कलर नहीं किया है। बाकी दूसरी पेंटिंग्स में आईब्रोज में आपको कलर करना पड़ता है, और उसके लिए भी आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो। पर फिर से मैं वही बोलूँगी कि चारकोल पेंसिल ना यूज़ करके आप ब्लैक बॉल पेन यूज़ कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। क्योंकि चारकोल पेंसिल बिगिनर्स के लिए तो मैं ना ही कहूँगी, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है अगर आपको अच्छे से ब्लेंड करना ना आए तो।
दोस्तों माथे पे चंदन लगा के हमने ये वाला काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट टास्क बचता है इनकी दाढ़ी का। तो आपको दाढ़ी में बहुत चेंज दिख रहा होगा पहले के कंपैरिजन में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने दो कलर यूज़ किए, एक तो मैंने ब्रश यूज़ किया हाइलाइटनिंग के लिए और दूसरा मैंने यूज़ की पेंसिल। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ज़्यादा डार्क दिखाना है वहाँ मैंने पेंसिल से दिखाया है, और जहाँ मुझे लग रहा था कि कम डार्क दिखाना है वहाँ मैंने ब्रश से दिखाया है। तो इस तरह से आप भी स्केच कंप्लीट कर सकते हो। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और कुछ सीखने को मिलता हो तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।